रोहतक जिले के शिवाजी कॉलोनी थाने के अंतर्गत भिवानी चुंगी के पास बीए के छात्र रॉकी की हत्या के मामले को लेकर मृतक के परिजनों और अन्य युवाओं ने शव को साथ लेकर छोटूराम चौक पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर तनातनी भी हुई, यहां तक कि रोहतक के एसपी के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की तक हो गई। वहीं इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया, क्योंकि आज शाम को ही प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल को रोहतक पहुंचना था। एक ओर जहां मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी शव को लेकर उपायुक्त के आवास का घेराव के लिए चल पड़े थे, जिन्हें पुलिस ने छोटूराम चौक के पास ही रोक लिया। इससे पहले भिवानी चुंगी के पास भी मृतक के परिजनों और पुलिस अधीक्षक के बीच तनातनी हुई। परिजनों का कहना था कि हत्या की घटना के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते हमलावर फरार हो गए। हमारी मुख्य रूप से मांग एक तो जो है परिवार की सिक्योरिटी, रोकी के परिवार को एक नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाए। हिंदू कॉलेज के अंदर जो है बाहरी लोगों का के लिए रोक लगाई जाए। अब कुछ मांगे तो ये थी, दूसरा क्या है कि पूरा जो है कॉलेज के छात्र छात्राएं और हमारे क्षेत्र के सभी लोग, तो ये है कि ये जो है रोकी लड़कियों की छेड़छाड़ रोकने के लिए ही शहीद हुआ है, रोकी को शहीद का दर्जा दिया जाए और भिवाड़ी चुंगी चौक को रोकी शहीद चौक का नाम कर दिया जाए। वहीं इस हंगामे के करीब दो घंटे बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पुलिस ने इस संबंध में मृतक के पिता के बयान पर एक नामजद युवक के सहित तीन अन्य युवकों के खिलाफ हत्या सहित अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल एक स्टूडेंट का यहाँ मर्डर हुआ था और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ उसको लेकर इनकी डिमांड थी, यद्यपि सारी डिमांड ऑलरेडी हमने पूरी कर ली, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन गैप रह गया था, इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे थे। अभी सभी प्रदर्शनकारियों को समझा दिया है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है सर? देखिए, इस तरीके का आंदोलन प्रदर्शन जब भी होता है तो पुलिस के साथ अमूमन धक्का मुक्की हो जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। सर, आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी? कुछ आरोपियों को हमने डिटेन किया हुआ, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी। अब देखना होगा कि पुलिस रॉकी के हत्यारों को पकड़ने में कितनी जल्द सफल होती है। सत्य खबर के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।